वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है रिद्वान जामिल और आज का ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पासपोर्ट साइज का फोटो क्रिएट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट पे जाना होगा। यहां जाने के बाद क्लिक कीजिए और यहां ढूंढिए आपका फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ पर है। तो मेरा यहाँ पर है, यहाँ ये इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजीली आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इस खाली जगह पे आप माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ दोबारा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा फ़ोटो आ ही गया मेरा। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो आप एक काम कीजिए, यहाँ आइए। आने के बाद देखिए यहाँ कंप्यूटर, लाइब्रेरीज, डेस्कटॉप बहुत सारा आ रहा होगा। तो यहाँ आने के बाद कंप्यूटर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ आपका ड्राइव आ ही जाएगा। ड्राइव आने के बाद आप चूज़ कीजिए कि कौन सा ड्राइव में आपका फ़ोटो रखा हुआ है। तो मेरा इस ड्राइव में रखा हुआ है। ड्राइव ओपन करने के बाद आपका सब फाइल आ ही जाएगा। फाइल आने के बाद आप देखिए कौन सी फाइल में आपका पिक्चर है, तलाश करते रहिए। देखिए तो मेरा कहाँ है, इस फाइल में। फाइल ओपन हो गया तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो को चूज़ करूँगा। तो मैं कौन सी फ़ोटो को चूज़ करूँगा, देखिए यहाँ बहुत सारा फ़ोटो आया है। तो मैं एक फ़ोटो को चूज़ करूँगा, इस फ़ोटो को मैं चूज़ करूँगा। देखिए चूज़ करने के बाद अब जो काम है वो है कैसे बनाएंगे हम पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। इसके लिए हमें जाना होगा टूल पे। ये सब टूल होते हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए, सब टूल होते हैं। तो आपको जाना होगा क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल पे आपको जाना होगा, इसको बोलते हैं क्रॉप टूल। ये जो देख रहे हैं आप क्रॉप टूल, इस क्रॉप टूल पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आया है विथ हाइट रिजोल्यूशन। विथ पासपोर्ट साइज के फोटो के लिए विथ, आप बैक स्पेस मार के डिलीट कर लीजिए और यहाँ दे दीजिए 2.5 cm। मतलब विथ मतलब चौड़ाई होता है फोटो का, चौड़ाई। ये विथ का मतलब होता है चौड़ाई, तो वो 2.5 cm दे दीजिए। उसके बाद आइए हाइट पे। हाइट पे आने के बाद फिर बैक स्पेस से आप डिलीट कर लीजिए और यहाँ दे दीजिए 3.5 cm। उसके बाद आपको जो करना है वो है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन हमेशा आप 300 ही रखा कीजिए, 300 डिलीट कर सकते हैं 300। उसके बाद आप इस फोटो को क्रॉप कीजिए। यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, मोड़ छोड़ना क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए। अब आप इंटर करके भी आप ये फ़ोटो क्रॉप कर सकते हैं, वरना यहाँ देखिए आप यहाँ जो राइट मार्क दिया हुआ है यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इजीली इंटर करके ही क्रॉप करूँगा। हो गया मेरा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। अब आपको जो करना है वो है, यहाँ आइए फाइल पे। फाइल पे आने के बाद क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू, यहाँ देख रहे हैं आप न्यू को क्लिक कीजिए। न्यू पे उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट कस्टम दिया हुआ है मेरा। यहाँ से मैं आपके पेपर साइज़ को मैं चूज़ करूँगा। ये जो देख रहे हैं आप प्रेजेंट कस्टम, यहाँ से मैं पेपर साइज़ को चूज़ करूँगा। क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारा पेपर साइज आया है। तो यहाँ से मैं अक्सर A4 साइज़ का ही पेपर होता है, तो A4 को मैं चूज़ किया। उसके बाद ओके। उसके बाद अब यहाँ आके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, मत छोड़ना। फिर क्लिक करके यहाँ तक लाइए और आइए यहाँ मूव टूल पे। मूव टूल बोलते हैं इसको, मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फ़ोटो पर एक क्लिक कीजिए। फ़ोटो पे एक क्लिक करने के बाद आप एक काम कीजिए,
माउस के लेफ्ट बटन को आप दबा के रखिए, मतलब क्लिक कीजिए, मत छोड़ना, क्लिक करके यहाँ से लाके यहाँ तक छोड़ देना, यहाँ छोड़ देना। फिर आप या आपके कीबोर्ड में एरो होता है ना, इस एरो पे लेफ्ट एरो करके फिर आप फिर लेफ्ट एरो दबा के भी आप फोटो को सीधा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉपी बनाना है तो एक काम कीजिए, यहाँ एलर्ट जो बॉटम होता है ये ALT, ये देखिए आप ALT, ये विंडो के बाजू में रहता है, उसको ALT इस बॉटम को आप सिलेक्ट करके सिलेक्ट कीजिए और माउस के लेफ्ट बॉटम को क्लिक करके आप कॉपीज भी बना सकते हैं। तो बहुत सारा कॉपी आप बना सकते हैं, तो उसके बाद आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया। दोस्त, मेरा इस ट्यूटोरियल आपका अगर हेल्प किया होगा तो आप सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। थैंक यू। कुलदीप।